हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे माय हीरो एकेडमी के सीज़न 3 का फर्स्ट एपिसोड। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं दो एनीमे एक साथ एक्सप्लेन करूँ, तो एक दिन माय हीरो एकेडमी और दूसरे दिन कोई दूसरा एनीमे। तो अगर आप इस पर एग्री करते हैं तो आप कमेंट में येस लिख सकते हैं या आप लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं। और हमने इस वीडियो में भी पोल रखा है कि किस वीडियो को हम आपको एक्सप्लेन करें, तो आप आई बटन पे हमें वोट कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ अपने फेवरेट एनीमे को वोट करें। और अगर कोई ऐसा एनीमे है जो लिस्ट में नहीं है लेकिन आप उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट करें, और अगर आपके कमेंट को ज़्यादा लाइक मिलते हैं तो हम उस एनीमे को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मिडोरिया की आवाज़ आती है। यू ए हाई स्कूल हीरो कोर्स। इस दुनिया में 80% पॉपुलेशन के पास किसी तरह का सुपर पावर है जिसे कॉर्प कहते हैं, और हीरो स्कूल बने नए हीरोज को ट्रेन करने के लिए, विलन्स और क्राइम से लड़ने के लिए। मैं इजुकु मिडोरिया, इस स्कूल का स्टूडेंट, अपने सपनों को अचीव करने के लिए हार्डवर्क कर रहा हूँ, कोई ऐसा बनने के लिए जो लोगों को स्माइल के साथ बचाए। ये मेरी स्टोरी है कि कैसे मैं ग्रेट सुपर हीरो बना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुरोगिरी टीवी देख रहा होता है जहाँ ऑलमाइट होते हैं, और टीवी के एंकर बोलती है, समर वेकेशन हीरो स्पेशल, यू हाई स्कूल के टीचर और नंबर वन हीरो, इस बार हम ऑलमाइट के पुराने कामों और उनके ग्रेट। तभी कुरोगिरी टीवी बंद कर देता है और शिगाराकी मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने पता लगा लिया, मैं समझ गया क्यों हीरो किलर मुझे गुस्सा दिलाता है और क्यों वो यूए के बच्चे मुझे इरिटेट करते हैं। ये सब ऑलमाइट के कारण, क्योंकि वो हमेशा बिना सोचे स्माइल करता है, ऐसे जैसे कोई है ही नहीं जिसे वो नहीं बचा पाया हो, क्योंकि वो बिना सोचे स्माइल करता है। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और कुरोगिरी मिडोरिया की फोटो देखकर बोलता है, इजुकु मिडोरिया, ये मिडिल स्कूल में 3 साल तक कॉर्कलेस था, मगर अचानक से इसके पास कॉर्क आ गया। इस साल के अप्रैल में यूए में इनरोल्ड होने के बाद उसने खुद को प्रूफ किया स्पोर्ट्स फेस्टिवल में टॉप 8 में आकर, और उसके बाद होलो सिटी के इंसिडेंट के दौरान वो और उसके दोस्त हीरो किलर स्टेन के अगेंस्ट लड़े और जीते, और उस समय हीरो किलर ने उसकी जिंदगी बचाई। उस लड़के को हीरो किलर ने एक्नॉलेज किया जो ट्रू हीरो की तलाश में रहता है। वो तोमुरा शिगाराकी से पूरी तरह से अलग है। और दूसरे सीन में हम मिडोरिया का घर देखते हैं जहाँ उसकी आवाज़ आती है, यूए हाई स्कूल का पहला सेमेस्टर खत्म हुआ और समर वेकेशंस चालू हो गए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये खेलने का समय है। ट्रेनिंग कैंप के लिए प्रिपेयर होने के लिए मैं अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। और ये बोलकर वो ऑलमाइट की वही पुरानी वीडियो देखता है जिसमें वो पहली बार दिखे थे और एक ही बार में उन्होंने कई लोगों को बचाया था। और वो आगे बोलता है, ऐसा कई बार हुआ है कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ऑलमाइट ने मुझे एक्नॉलेज किया और अपना कॉर्क मुझे दिया। तभी वहाँ उसके घर पर कामिनारी और मिनीटो आते हैं, और मिनीटो मिडोरिया से बोलता है, चलो पूल चलें, और कामिनारी बोलता है, समर वेकेशन कैंप से पहले चलो साथ ट्रेनिंग करें। और ये सुनकर वो थोड़ा हैरान रह जाता है क्योंकि इस चीज़ की उम्मीद इन दोनों से बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ यूए में आइजावा वेल्ड किंग से बोलते हैं, वेल्ड, समर ट्रेनिंग कैंप का स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग पार्ट। और उनकी बात को बीच में रोकते हुए वेल्ड बोलते हैं, इरेजर, उससे पहले क्या तुम मुझे क्लास ए के बच्चों के कॉर्क कन्फर्म करोगे? जिस पर आइजावा बोलते हैं, ठीक है, पहला यूगा आयोमा कॉर्क नेवल लेज़र, ये अपनी नाभि से लेज़र शूट कर सकता है। दूसरा मीना आशिडो कॉर्क एसिड, ये अपनी बॉडी से एसिड निकालकर अपने टारगेट को मेल्ट कर सकती है। तीसरी टीसू आसुई कॉर्क फ्रॉग, ये वो सभी चीज़ें कर सकती है जो एक फ्रॉग कर सकता है। चौथा तेनिया लीडा कॉर्क इंजन, ये अपने पैरों पर लगे इंजन के सहारे काफ़ी तेज़ी से मूव कर सकता है। पांचवा उचाको उरारा का कॉर्क जीरो ग्रेविटी, ये किसी भी चीज़ को छू के उसे वेटलेस बना सकती है। छठा माशिराओ ओजीरो कॉर्क टेल, ये अपने टेल को फ्रीली मैनिपुलेट कर सकता है और इसे हाथ या पैर की तरह यूज़ कर सकता है। सातवा डेंकी कामिनारी कॉर्क इलेक्ट्रिफिकेशन, ये अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। आठवा इजीरो किरिशिमा कॉर्क हार्डिंग, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये अपनी पूरी बॉडी को हार्ड कर सकता है। नौवा कोजी कोडा कॉर्क अ वॉइस, ये इंसानों को छोड़कर किसी भी लिविंग चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। दसवा रिकिडो सातो कॉर्क शुगर रश, जैसे ही इसकी बॉडी में शुगर जाता है ये चेंज हो जाता है। ग्यारहवा मीजो सोजी कॉर्क ड्यूपली आर्म्स, ये अपने हाथों के छोर पर अपने बॉडी के पार्ट्स जैसे कान नाक और मुंह बना सकता है। बारहवा क्योका जीरो कॉर्क ईयरफोन जैक, अपने कान पर लगे प्लग्स के सहारे ये बारीक से बारीक आवाज़ सुन सकती है और इसके पैरों पर लगे स्पीकर को प्लग करके ये एक्सप्लोजिव साउंड जनरेट कर सकती है। तेरहवा हांता सीरो कॉर्क टेप, ये अपनी कोहनी से टेप शूट कर सकता है और अपने अपोनेंट को इसमें बांध सकता है, और ये इसे हवा में मूव करने के लिए भी यूज़ करता है। चौदहवा फूमिकागे तोकोयामी कॉर्क डार्क शेडो, ये अपने शेडो को अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकता है। पंद्रहवा सोतो तोदोरोकी कॉर्क हाफ कोल्ड हाफ हॉट,
ये अपने राइट साइड से आइस और लेफ्ट साइड से फ्लेम निकाल सकता है। सोलवा तोरू हागाकुरे क्वार्क इनविजिबिलिटी, ये बस इनविजिबल है। सत्रवा कात्सुकी बाकुगो क्वार्क एक्सप्लोजन, ये नाइट्रोग्लाइरिन का पसीना छोड़ता है जिससे एक्सप्लोजन कर पाता है। अठारवा इजुकु मिडोरिया क्वार्क सुपर पावर, ये अपने बॉडी के पार्ट या पूरी बॉडी के पावर को इंक्रीज कर सकता है और ये अपने फिजिकल एबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकता है। उन्नीसवा मिनोरु मिनिटो क्वार्क पॉप ऑफ, ये अपने हेयर बॉल्स को निकाल कर दूसरों पर थ्रो करता है जो चिपचिपे होते हैं। बीसवा मोमो योयोराजू क्वार्क क्रिएशन, ये अपने शरीर के सहारे किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को क्रिएट कर सकती है। और वो आगे बोलते हैं, बस इतना ही नहीं, हमें क्लास बी के क्वार्क को भी देखना चाहिए। और वे बोल ही रहे होते हैं तभी वहाँ कामिनारी मिडोरिया और मिनिटो आते हैं और वेल्ड उन्हें देखकर पूछता है, तुम तीनों यहाँ कैसे? और कामिनारी बोलता है, मिस्टर आइजावा, हमने कल पूल को यूज़ करने का फॉर्म भरा था। जिस पर आइजावा बोलते हैं, हाँ स्कूल ने उसकी परमिशन दे दी, तुम 5 बजे तक पूल यूज़ कर सकते हो। तुमने कहा तुम इंडोरेंस ट्रेनिंग करने के लिए पूल यूज़ करना चाहते हो, है ना? अच्छे से करना। और तीनों बोलते हैं, यस सर। और लॉकर रूम में मिडोरिया बोलता है, पूल में इंडोरेंस ट्रेनिंग का आइडिया तो कमाल का है मिनिटो, और हम स्कूल में है तो अपने कॉर्प को भी यूज़ कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जिस पर कामिनारी बोलता है, हम हीरो कोर्स से हैं जैसा तुम जानते हो। और मिनिटो बोलता है, गो बियॉन्ड प्लस अल्ट्रा। और मिडोरिया भी बोलता है, अल्ट्रा। और कामिनारी बोलता है, मैंने तो मिडोरिया को इन्वाइट करने का चॉइस सही था मिनिटो। जिस पर मिनिटो बोलता है, अगर बस हम दोनों होते तो हमें परमिशन नहीं मिलती। और कामिनारी पूछता है, वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जिस पर मिनिटो बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैंने उस दिन सब कुछ सुन लिया था फाइनल्स खत्म होने से पहले। और हम उस दिन का सीन देखते हैं और उचाको बोलती है, हमें गर्मियों में लंबे ट्रिप्स पर जाने से बचना होगा। और ओजीरो बोलती है, ये स्कूल ने कहा है। जिस पर योयोराजू बोलती है, ये काफ़ी बुरा हुआ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ वेनिस ही जाने वाली थी। और आशीरो बोलती है, मैंने तो स्विम सूट भी खरीद लिया है। और जीरो बोलती है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, हम पर लीग ऑफ विलन्स ने अटैक किया था। और आशीरो बोलती है, फिर भी मुझे खेलना है, मुझे कहीं और जाना है। और हागाकुरे बोलती है, तो क्या तुम समर वेकेशन में स्कूल के पूल में मिलना चाहोगी? और ये सुनकर आसुई बोलती है, हाँ अगर हम स्कूल का पूल यूज़ करें तो मुझे यकीन है इसके लिए टीचर्स हमें परमिशन दे देंगे। और उचाको बोलती है, ये अच्छा आइडिया है और हमें पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनके स्कूल में पूल भी है, काश मेरे में भी होता। और हम देखते हैं कि उनकी ये बात मिनिटो भी सुन रहा होता है और वो प्रेजेंट में खुश होकर बोलता है, मैंने ये सुना। जिस पर कामिनारी बोलता है, तो हमारे पास जाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। और वो पूल की तरफ भागते हुए बोलते हैं, चलो पैराडाइज चलें। और जैसे ही वो गेट खोलते हैं वहाँ तेनिया खड़ा होता है और बोलता है, तुम लेट हो। और हम वहाँ बाकी सभी को देखते हैं और ये देखकर मिनिटो बोलता है, तुम लोग यहाँ कैसे? जिस पर मिडोरिया बोलता है, जब हम इंडोरेंस ट्रेनिंग कर ही रहे हैं तो मैंने सभी को मैसेज कर दिया। और ये सुनकर कामिनारी गुस्से में बोलता है, ऐसा क्या, तुम काफ़ी मेहनती हो मिडोरिया। और मिनिटो बोलता है, शांत हो जाओ कामिनारी, लड़कियां स्विम सूट में ज़रूर होंगी। और जैसे ही वो उन्हें देखते हैं तो उन्होंने वो स्विम सूट नहीं पहना होता है जिसकी उन्होंने उम्मीद की होती है। और ये देखकर कामिनारी बोलता है, ये कैसे स्विम सूट है, इन्हें तो बिकनी में होना चाहिए था ना। और तेनिया बोलता है, कामिनारी मिनिटो, ये काफ़ी अच्छा आइडिया था, मैं इंप्रेस्ड हुआ, क्यों ना तुम भी हमारे साथ आकर पसीने बहाओ। और ये बोलकर वो दोनों को उठाकर ले जाता है। और काफ़ी सारी ट्रेनिंग करने के बाद मिनिटो और कामिनारी थककर ज़मीन पर लेट जाते हैं और तेनिया बोलता है, ठीक है 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं सबके लिए जूस लाया हूँ। और उसे पीते हुए वो लड़कियों को देखकर बोलता है, आखिर लड़कियाँ खेल क्यों रही हैं? जिस पर मिनिटो बोलता है, उन्होंने सन बेदिंग की परमिशन ली है। और कामिनारी बोलता है, मिनिटो तुमने एंडोरेंस टेस्ट के लिए क्यों अप्लाई किया? जिस पर मिनिटो बोलता है, इसके अलावा हमें परमिशन भी नहीं मिलती। और तेनिया मिडोरिया को जूस देते हुए बोलता है, मिडोरिया तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए। और मिडोरिया बोलता है, थैंक्स। और ये बोलकर वो जूस पीने लगता है और तेनिया उसे घूरता रहता है। जिस पर मिडोरिया पूछता है, क्या हुआ? और तेनिया बोलता है, कुछ नहीं, मैं सोच रहा था कि ये कितना अजीब है, एंट्रेंस एग्जाम के दौरान मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त बन जाऊंगा। साफ तौर पर बोलूँ तो मैंने पहले तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचा, मगर प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान तुमने उरारका को बिना एग्जाम की चिंता किए बचाया। और मिडोरिया ये सुनकर बोलता है, मैं खुश था, ये हमेशा से मेरा सपना था यूए ज्वाइन करना, मगर जब मुझे बताया गया कि जो भी फिटनेस टेस्ट में फेल होगा उसे निकाल दिया जाएगा, मुझे लगा कि सब खत्म। जिस पर तेनिया बोलता है, मगर फिर भी तुमने हार नहीं मानी कॉम्बैक ट्रेनिंग में भी। और वह आगे बोलता है, ये सच है कि तुम्हारे तरीके लापरवाह होते हैं, मगर मैं तुम्हारी टेंडेंसी फील कर सकता हूँ मिडोरिया, इसलिए मैं और बाकुगो हार गए। और ये सुनकर मिडोरिया बोलता है, मैं यहाँ तक कई लोगों की मदद के कारण पहुँचा हूँ, इसलिए मुझे हार्डवर्क करना ही है। तभी वहाँ कात्सुकी आते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं तो ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि तुम मुझे हरा देते। और ये बोलकर मिडोरिया की ओर बढ़ने लगता है। और तभी कामिनारी उसे रोकते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला, मगर माफ़ करना मैं लेट हो गया, बाकुगो को थोड़ा टाइम लग गया। और कात्सुकी बोलता है, ओए डेकू तुम्हें अभी डिसाइड करना है क्या? जिस पर मिडोरिया बोलता है, नहीं। और तेनिया बोलता है, ये सच है, बस ट्रेनिंग उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है।
और वह आगे बोलता है, सभी लोग क्या तुम देखना चाहते हो कि कौन सा लड़का 50 मीटर सबसे ज्यादा तैर सकता है। और ये सुनकर सीरो बोलता है, ये मजेदार लग रहा है। और यूए राजू बोलती है, लीदा हमें भी हेल्प करनी है। और ओजीरो पूछता है, कॉर्क का क्या हम उसे यूज कर सकते हैं। जिस पर तेनिया बोलता है, हम स्कूल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तुम लोगों और बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और कात्सुकी बोलता है, मैं तुम्हें कुचल दूंगा डेकू, और तुम्हें भी आधे अधूरे बेवकूफ। और पहला राउंड स्टार्ट होता है, और जैसे ही यूएराजू विसल बजाती है वो स्टार्ट करते हैं, और कात्सुकी तैरने के बजाय अपने कॉर को यूज करके उड़ते हुए पार हो जाता है और बोलता है, ये कैसा लगा एक्स्ट्रास। और सीरो बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है ये कैसे लगा। और किरीशिमा बोलता है, तुम तो तैरे भी नहीं। और कात्सुकी बोलता है, ये फ्री स्टाइल है। और दूसरे राउंड में तोदोरो की आइस पर स्केट करते हुए जीत जाता है। और कामिनारी और मिनिटो गुस्से में बोलते हैं, तुम्हें तैरना था। और तीसरे मैच में मिडोरिया तैरते हुए वन फॉर ऑल की मदद से सोजी ओजीरो और तेनिया को हरा देता है। और तेनिया होजू सिटी के इंसिडेंट को याद करता है कि किस तरह मिडोरिया और तोदोरोकी ने उसकी मदद की थी। और तेनिया मन में बोलता है, तोदोरोकी मैं एक कसम और खाता हूँ कि मैं एक हीरो बनूंगा अपने भाई की तरह। और तोदोरोकी बोलता है, मैं भी हीरो बनूंगा जैसा मैं चाहता हूँ। और मिडोरिया बोलता है, मैं भी हीरो बनूंगा ऑल माइट के जैसा, जो लोगों को स्माइल करके बचाता है। और यहाँ पुलिस ऑफिस में तुस्का उच्च ऑल माइट को क्लिप दिखाते हुए बोलता है, यूएस स्कूल पर लीग ऑफ विलन्स द्वारा अटैक हुआ रेस्क्यू ट्रेनिंग के दौरान, जिसे यूएस डे इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। और हीरो किलर स्टेन और लीग ऑफ विलन्स ने होजू सिटी पर अंधाधुंध हमले किए, जो होजू इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। और दूसरे दिन लीग ऑफ विलन्स के लीडर तोमुरा शिगाराकी अचानक से इज़ुकु मिडोरिया के पीछे पड़ गया, जो यूए में हीरो कोर्स का स्टूडेंट है। और वो ऑल माइट से बोलता है, उसके बाद उन्होंने कोई हरकत नहीं की। और ऑल माइट बोलते हैं, मगर मुझे यकीन है वो अभी भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। जिस पर तुस्का उच्च बोलता है, मैं जानता हूँ, पुलिस हीरोज के साथ मिलकर लीग ऑफ विलन्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब इस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट मिल जाएगा तो हम तुम्हारे भरोसे होंगे ऑल माइट। जिस पर ऑल माइट अपना फॉर्म चेंज करके बोलते हैं, बिल्कुल तुस्का उच्च। और यहाँ यूए में तेनिया बोलता है, सभी राउंड्स के विनर हैं बाकुगो, तोदोरोकी और मिडोरिया, क्या ये ठीक है। जिस पर तोदोरोकी और मिडोरिया बोलते हैं, हाँ। और कात्सुकी बोलता है, ओ आधे अधूरे बेवकूफ, स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तरह होल्ड बैक मत करना। जिस पर तोदोरोकी बोलता है, बिल्कुल। और कात्सुकी बोलता है, तुम भी डेकू। और मिडोरिया बोलता है, हाँ। और स्टार्टिंग लाइन पर कात्सुकी मन में बोलता है, मैं उड़कर एक ही बार में इसे पार कर लूंगा। और तोदोरोकी बोलता है, मैं स्लाइड करके निकल जाऊंगा। और मिडोरिया वन फॉर ऑल का यूज करते हुए बोलता है, मैं अपनी पूरी ताकत से स्विम करूंगा। और जैसे वो तीनों स्टार्ट करते हैं, उनकी पावर खत्म हो जाती है और वो सीधे पानी में गिरते हैं। और हम देखते हैं कि आइजावा ने किया होता है। और वो बोलते हैं, 5 बज गए, समय खत्म हुआ, घर जाओ। और कामिनारी बोलता है, 1 मिनट रुकिए मिस्टर आइजावा। और सीरो बोलता है, अच्छा पार्ट चालू ही होने वाला था। और आइजावा गुस्से में बोलते हैं, तुमने कुछ कहा। और सभी डर के मारे बोलते हैं, कुछ नहीं। और घर जाते हुए कात्सुकी गुस्से में बोलता है, रेस रुक गया। और किरीशिमा बोलता है, मैं जानता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, शांत हो जाओ, मिडोरिया तोदोरोकी हमारे क्लासमेट और हमारे फ्रेंड्स हैं, है ना। जिस पर कात्सुकी बोलता है, चुप रहो, चाहे वो कोई भी हो, मैं उन्हें मुझे हराने नहीं दूंगा, मैं ऑल माइट नंबर 1 हीरो से भी ज्यादा बेटर बनूंगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिडोरिया बीच पर आता है और अपने शुरुआत को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ ऑल माइट आते हैं और मिडोरिया पूछता है, ऑल माइट आप यहाँ कैसे। और ऑल माइट पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों। जिस पर मिडोरिया बोलता है, मैं यहाँ इसलिए क्योंकि ये वही जगह है जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ। और ये सुनकर ऑल माइट स्माइल करते हैं और बोलते हैं, यंग मिडोरिया समर ट्रेनिंग कैंप टफ होने वाला है, अपना बेस्ट देना। जिस पर मिडोरिया बोलता है, हाँ ऑल माइट। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो चलवा, आपको वीडियो चलवा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।